मंत्री समर्थक और तमिलनाडु से रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले व्यक्ति ने 24/7 लूटने का प्रदेश को काम किया और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने 24/7 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। दूसरी ओर मैं संपत से पूछ रही थी, भाई अमेठी से तो हमने राहुल गांधी को भगा दिया, यहां पर कांग्रेस का क्या हाल है? तो संपत ने कहा, दीदी यहां पर वो बीजेडी के लिए पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। आज अगर कांग्रेस के नेताओं तक, समर्थकों तक मेरी आवाज पहुंचे तो उनको मैं बतलाना चाहती हूं, जब केंद्र में उनकी सरकार थी तब उन्होंने खनन के माध्यम से उड़ीसा को मात्र 5,000 करोड़ रुपया दिलवाए और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से लेकर अब तक उड़ीसा की जनता को खनन के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की आय करवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी का नाम लिया, भगवान ने भी वर्षा कर दी भैया। विकास की बरसात करवाना है तो पहली जून को पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल का बटन दबाना है, डबल इंजन की सरकार को बनाना है। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आए। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।